दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप समस्त सृष्टि के दाता सूर्य देव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आदित्याय नमो नमः लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल देने का विशेष विधान है। उन्हें जल देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सूर्य देव को जल देते समय यदि आप कुछ विशेष चीजें मिला दें, तो यह और भी शुभ हो जाता है। सूर्य देव को जल देने से आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पूर्व जल में कुछ विशेष चीजें डालते थे। इस तरह से सूर्य देव को जल देकर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव को जल दे रहे थे। ये देख धर्मराज कुछ असमंजस में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, इस संसार के स्वामी हैं, सूर्य और चंद्र तो आपके ही नेत्र हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्य की भांति सूर्य देव को क्यों जल दे रहे हैं? मैं इसका महत्व जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मराज से कहा, सूर्य देव का स्थान धरती, आकाश, देव, दानव, इंसान सभी से ऊपर है। मैंने अपने हर अवतार में सूर्य देव को जल अर्पित करा है, उनका आशीर्वाद लिया है। जब मैंने राम अवतार लिया था, तब भी मैंने सूर्य देव की कृपा से ही यश, तेज और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति की थी। उनकी ही कृपा से ये प्रकृति सजीव है। उनके अस्तित्व से ही ये सृष्टि हजारों साल से पनप रही है। संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है, लेकिन सूर्य देव का कभी नहीं। पृथ्वी पे यदि कोई देव हमें दिखते हैं, तो वे सूर्य देव है। हर व्यक्ति को जीवन में सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माधव के ऐसे कथन सुनने के बाद धर्मराज सूर्य देव के भक्त बन गए। सूर्य देव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन स्वयं श्रीहरि के मुख से हुआ है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिसे करने से आपके जीवन के हर तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको बस करना ये है कि सूर्य देव को जल देते समय उसमें कुछ पवित्र चीजें मिला दें। अब वे क्या हैं? आइए जानते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, वैसे तो सूर्य देव की उपासना हर दिन करनी चाहिए, किंतु रविवार के दिन सूर्य देव को जल देना बेहद उत्तम माना गया है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। रविवार को सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आप स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं और फिर उन्हें जल चढ़ाते समय आप उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला दें, उन्हें मीठा जल अर्पित करें। इसका फल सबसे उत्तम होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में कभी धन नहीं दिखता, पैसे आते ही चले जाते हैं, धन दिखता ही नहीं है, तो धन में वृद्धि के लिए, सुख और यश की प्राप्ति के लिए आप सुबह उठ स्नान आदि कर सूर्य देव को जल देते समय उस जल में थोड़े से अक्षत यानी कि कच्चे चावल मिला लें। ये उपाय आपको कम से कम 40 दिनों तक करना है। आपको बीच में एक दिन भी इसे नहीं छोड़ना है। ऐसा करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, यदि कोई सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्य देव को जल अर्पित कर रही है, तो उस जल में थोड़ा सा ही सही कुमकुम जरूर मिलाएं और सूर्य देव से अपने सुहाग के भाग्य की कामना करें। ये उपाय हर सुहागन स्त्री सुबह स्नान शुद्धि के बाद करें। इसके अलावा जब आप सूर्य देव को जल दें, तो उसके साथ
तुलसी मैया को भी जल अर्पित करें, इससे आपको दुगना लाभ होगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि वह तांबे का पात्र हो। सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल देना शुभ होता है। आप चाहें तो पीतल के लोटे का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टील, प्लास्टिक या कांच के बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। यदि आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, वह काफी लंबे समय से बीमार है, तो सुबह सूर्य देव को जल देते समय उस पात्र में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और फिर थोड़ा थोड़ा जल उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़क दें। ऐसा करके सूर्य भगवान से उस बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप संतान सुख से वंचित हैं, तो महिलाएं सूर्य देव को सुबह जल देते समय उस जल में थोड़ा सा घी और कच्चा दूध मिलाकर उन्हें जल दें और जल देते समय संतान प्राप्ति की कामना करें और सूर्य देव की आराधना करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में अपने आप सभी कार्य बढ़ने लगते हैं, आप सफल होते हैं। यदि आपके विवाह के कार्य में बार बार अड़चन आ रही है या आपका विवाह योग नहीं बन रहा, तो आप अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए सुबह सुबह उठ स्नान आदि कर सूर्य देव को जल दें। उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें। ये उपाय अवश्य करें, यह बिल्कुल कारगर साबित होगा और विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम सूर्याय नमः।